गाइस, आई एम स्नेहा फ्रॉम कलांकित। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हम आज कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक्चुअली उनके लिए आर्ट क्या है। तो लेट्स आस्क देम एंड हैव अ चिट चैट विद देम आल्सो। सो लेट्स गो। तो आपका नाम? My name is Yahi। और आपका आर्ट्स में कब से इंटरेस्ट है? मेरा 11 से था वैसे तो, पर अब मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स किया है। तो आपने फर्स्ट टाइम कब ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, लाइक कब से लगा कि हाँ मुझे आर्ट्स करने? बेसिक वही माउंटेन्स वगैरह, वहीं से चालू हुआ। वो घर और उसको माउंटेन और सूरज, ओके, वो सबकी फेवरेट ड्रॉइंग है। तो फिर आपने आगे प्रोसीड किया, तो आप यहाँ पे क्या यहाँ पे? मैं फिलहाल तो दिखा रही हूँ कि दो अलग अलग कंट्री के मिनिस्टर्स हाथ मिलाते हैं। ओके, तो आप मतलब अगर इसमें और चीज, आप यहाँ पे वॉलंटियर कब से कर रहे हैं? आप मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम है, कोई इस वॉलंटियर और इसके बारे में कैसे पता चला? मेरे कॉलेज के फाइनल फाइन आर्ट्स ऑफिशियल ग्रुप में आया था इसके बारे में। आपको इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे भी करना है? हाँ, मेरे को पहले भी था कि मतलब वॉल पे करना है, तो बड़ी स्पेस बुक से निकल। आपका नाम? पूर्वा शर्मा। ओके, तो आप मतलब आर्ट से कब से जुड़े हुए हैं? आपको कैसा इंटरेस्ट कब से आया? सेवन्थ क्लास से एक्चुअली। सेवन्थ क्लास में ना मेरे मतलब ड्राइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, वैसे बचपन से ही मैं करती रहती थी। फिर मैंने स्केचेस देखे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा ड्रॉ करके देखते हैं, तो मैंने करा धीरे धीरे, तो मुझे आदत पड़ गई। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा मन करने लगा कि भाई करना ही है, इसमें ही करना है कुछ। तो मतलब फर्स्ट ड्राइंग की बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग कौन सी होगी आपने? क्या बनाया होगा, कुछ याद है? थोड़ा बहुत याद है, मैंने स्केच ही बनाया था, किसी एक्ट्रेस का बनाया था, ये याद नहीं है कौन सी थी एक्ट्रेस, बट मैंने एक एक्ट्रेस का बनाया था, बहुत ही अजीब बना था। वो लिटरली वो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं अच्छा बनाया है, ट्राई तो बहुत अच्छा किया है, मतलब फैमिली सपोर्ट पूरा। हाँ, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। तो आपको इस कैंपेन के बारे में कैसे पता? ये मेरी कॉलेज की तरफ से था, मतलब एक्चुअली मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में शौक था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। तो फिर टीचर्स ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने हाँ बोल दिया। देन मैं आई तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप इसमें एक्चुअली मेजर क्या करते हो, क्योंकि मैंने देखा लोग डिवाइडेड है काम में। हाँ, इसमें तीन चार जैसे कुछ स्केचेस पे हैं, कुछ पेंट पे हैं, कुछ कलर्स बना रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मोस्टली मैं अभी तक, मैं जब से आई हूँ तो मैंने थोड़ी बहुत स्केचिंग की है, बाकी मैं कलर में ही हूँ, मैं कलर कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ, और स्केचेस को पेंट करना या फिर ये वॉल्स जो पेंट हुई है तो उसमें है। तो आपको क्या लगता है इस वॉल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली ये वॉल इसलिए बनाई जा रही है कि वुमेन्स का दिखाया जा रहा है कि वो बहुत कुछ कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एम्पावरमेंट ही दिखा रहे हैं, गर्ल्स जो हैं वो बहुत कुछ, उनके रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी हो वो बहुत कुछ कर रही हैं। आजकल गर्ल्स हर फील्ड में है, बस यही शो करा जा रहा है कि गर्ल्स भी कर रही हैं, वुमेन्स भी कर रही हैं। देखा ना बहुत सारे फ्रेम्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे हर में कोई ना कोई नई स्टोरी आती है। हाँ, ये बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑलमोस्ट, यहाँ से जितनी भी पास करेंगी, वुमेन्स पास करेंगी, वो सब कुछ ना कुछ कनेक्ट करेंगी, किसी ना किसी फ्रेंड से कनेक्ट करेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सर, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी अब आपको। नो नो, दैट वाज अ ग्रेट टॉपिक फॉर यू। व्हाट इज योर नेम? आई एम रियांश वर्मा एंड आई एम इन क्लास 10। So you are going to be intern? Yes. All the best. Thank you. Okay, so aapka art mein interest kaise develop hua? So actually I am inspired by my sister who is elder than me, and jab main chota tha na tab wo bahut sari paintings kiya karti thi, to main bhi uski painting dekh ke uski copy karne lag jata tha. And jab bhi koi school mein क्लास में ऐसे प्रॉक्सी लग जाती थी, तो मैं अपने नोटबुक के पीछे ऐसे स्मॉल स्मॉल ड्राइंग्स करने लग जाता, स्केच करने लग जाता। और उसके बाद ना मेरा मतलब ऐसे पेंटिंग दिखा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, एंड मैं इसी को कंटिन्यू करते रहा, एंड मेरी पेंटिंग मतलब आई थिंक दैट आई हैव इम्प्रूव्ड मच इन टाइम। I've seen boys have interest in anime creation, like anime yes. character and a cartoon creation. तो आपका किस में फोटे है, आपको किस में लगता है कि हाँ ये मेरा अच्छा है? Like sketching boards, like abstract art. Okay. Like this. So you like to play with colors, like different colors. Yes. Okay. So आपने first art कौन से बनाया?
my first start. I don't remember. Like mountain and heart, something like that. Oh yes. Okay, so आपका main यहाँ पे role क्या है? What you are doing over here? Like sketching or coloring? क्योंकि मैंने लोगों को देखा था divided into three. कुछ color कर रहे, कुछ sketch yes. कर रहे, कुछ like coordinate कर रहे. आपका क्या है? तो मैं ऐसे तो सारे काम ही कर रहा हूँ. मैं paint भी कर रहा हूँ, ऐसे कभी sketching में भी help कर दे रहा हूँ. अच्छा, तो आपने कौन सी sketch अभी तक start किया या बनाई है? स्केचिंग में अभी तो ऐसे एक लेडी है जो कि मटका होल्ड करके रखी है, तो मैंने उसमें थोड़ी सी ऐसे अभी हेल्प की थी. एंड मैंने बॉर्डर्स बनाए थे जो विंडोज है उनके फ्रेम्स. हाँ आई होप आपको जानकर अच्छा लगा होगा इतने सारे आर्टिस्ट के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके लिए आर्ट क्या मतलब करता है, उन सब चीज़ों के बारे में. एंड वी आर थैंकफुल कि हमें ये मौका मिला. थैंक टू कंट्री फाउंडेशन, थैंक्स टू एवरीवन हु हैज सपोर्टेड अस. सो छोटी सी कोशिश से हमारी इस वुमेंस डे पे अपना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देने की. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. कोशिश करूंगी ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट लेके आओ, कुछ और फेस्टिव्स हो उसमें. तो अंटिल देन प्लीज गो एंड विजिट टू आवर वेबसाइट विच इज www.kalangi.com एंड सब्सक्राइब तो कर दो यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.